आपने कई अलग तरह के रेलवे स्टेशन देखे होंगे, लेकिन हम आपको एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर लेकर चल रहे हैं जो अपनी लोक संस्कृति के रंग में रंगी जा रही है। हम बात कर रहे हैं बीकानेर की, जहां का रेलवे स्टेशन म्यूरल पेंटिंग से सजाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर बीकानेरी शान, लोक संस्कृति से बढ़ेगा सम्मान। पेंटिंग से जानिए ऐतिहासिक ज्ञान। अगर आप बीकानेर रेलवे स्टेशन पर आते हैं और वेटिंग रूम में बैठकर ट्रेन का इंतजार करेंगे, तो यकीन मानिए ये इंतजार आपको सुकून देगा। इस सुकून की वजह है ये तस्वीर। ऐतिहासिक जूनागढ़ किले से निकलने वाली शाही गणगौर की सवारी, झरोखे से झांकती महिलाएं, रोबीली मूछे वाले जवान, खूबसूरत मोर, ये सारी पेंटिंग न सिर्फ बीकानेर के लोक संस्कृति का हिस्सा रही है, बल्कि बीकानेर के बुलंद इतिहास से भी जुड़ी है। वेटिंग रूम की दीवारों को पेंटिंग से सजाने का मकसद मुसाफिरों को यहाँ की लोक संस्कृति के बारे में बताना है। पेंटिंग बनाने का मोटिव तो यही है कि इस वेटिंग रूम को ब्यूटीफाई किया जाए, ये और भी सुंदर लगे। जो यहाँ पे पैसेंजर्स आते हैं वो बैठ के बोर ना हो, ठीक है, उनको ये देख के अच्छा लगे, चाहे वो 4 घंटे बैठे चाहे 5 घंटे बैठे। दूसरा मोटिव ये है इसको बनाने का कि हमारे बीकानेर कल्चर को, ट्रेडिशन को प्रमोट करना, ठीक है, कि वो यहाँ पे क्या फेमस है। तो यहाँ पे हमने गणगौर की सवारी दिखाई है, शाही सवारी, जो महाराजा गंगा सिंह जी जीत कर लाए थे जोधपुर से, तो उसको सर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। द थीम ऑफ वेटिंग रूम की दीवारों को लोक संस्कृति के रंग में सजाने का काम जारी है। जल्द ही रेलवे स्टेशन का ये वेटिंग रूम इन खूबसूरत पेंटिंग से मुसाफिरों को सुकून का एहसास दिलाने के साथ यहाँ की लोक संस्कृति से रूबरू कराएगी। इसके पहले रेलवे स्टेशन की दीवारों पर पेंटिंग उकेरी गई थी, मुसाफिरों ने तारीफ की, जिसके बाद वेटिंग रूम को म्यूरल पेंटिंग के जरिए लोक संस्कृति से सजाने का फैसला किया गया। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। और शौक बड़ी चीज है, फिर चाहे घूमने फिरने का हो या फिर अपने ही घर को म्यूजियम में तब्दील कर देने का। बीकानेर से आइए रिपोर्ट देखिए, आप भी कहेंगे वाह, शौक हो।